हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेप्लिकेशन। इस लेक्चर में हम देखने वाले द मशीनरी एंड द एंजाइम। बेसिकली जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरीके की मशीनरीज रिक्वायरमेंट होती है और बेसिकली वहाँ पे एंजाइम्स किस तरीके रिक्वायर्ड होते हैं हमें देखना है। सो इन ई कोलाय प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। ओके, सो बेसिकली जो भी प्रोसेसेस होती है रेप्लिकेशंस के, उसके लिए अलग अलग तरह के कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। सो जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसमें भी हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें ये देखना है ई कोलाई के रिलेटेड। ओके, सो जो मेन एंजाइम होता है इसमें, दैट एंजाइम्स रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो बेसिकली इसके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये हमने इसलिए मतलब इस तरीके से नाम है उसका क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए पे डिपेंडेंट है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। मतलब उसको जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा है, सिंस इट इज़ यूज डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। सो इसको कैटेलाइज करने के लिए, मतलब पॉलीमराइजेशन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड जो होता है, मतलब पैरेंटल डीएनए जो होता है, पैरेंटल स्टैंड जो होता है वो यूज़ किया जाता है। सो विदाउट डीएनए टेम्पलेट पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन नहीं हो सकता या फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। सो डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने के लिए डीएनए टेम्पलेट ज़रूरी होता है, मतलब पैरेंटल स्टैंड ज़रूरी होता है। सो इसीलिए हम उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, जो पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब एडिशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स करता है, मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड हो रहे हैं। ओके, डीएनए में। सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमराइजेशन। ओके, सो उसको कैटेलाइज करने के लिए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट ज़रूरी होता है या फिर वो यूज़ किया जाता है, पैरेंटल स्टैंड ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर से इसका एक बार हमने इसको रिवाइज़ किया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, डिपेंडेंट है। ओके, डीएनए पे, सो टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है बेसिकली। और टेम्पलेट का मीनिंग क्या लिया था हमने लास्ट सेशन में कि मतलब एक्चुअल बेसिकली जो साचा, जैसे कि एक गणपति की मूर्त फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास जो साचा होता है उस तरीके से, या फिर आप स्टैम्प का एग्जांपल दे सकते हो, हम स्टैम्पिंग जो करते हैं। सो बेसिकली वो स्टैम्प एक तरीके का साचा है, उसके अपोजिट ही उसी तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो एक स्पेसिफिक पेयरिंग आती है डीएनए में उस तरीके से। सो याद रखने हमें। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट एंजाइम। ये बहुत इफिशियंट एंजाइम होते हैं बेसिकली। सो इफेक्टिव होते क्यों? क्योंकि देखो आगे, एज दे हैव टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उनको एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड। सो एक कम वक्त में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होता है, पॉलीमराइजेशन करना होता है। सो ये इतना आसान नहीं है। ओके, कम वक्त में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को एडिशन करना। सो एंजाइम्स बहुत इफिशियंट होते, हाईली एक्टिव होते, इफेक्टिव होते। जैसे कि ई कोला है, उसमें टोटल बेस पेयर कितने? 4.6 इंटू 10^6 बेस पेयर। सो बेसिकली 6 है तो मिलियन है, 4.6 मिलियन बेस पेयर है यहाँ पे। सो इसका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिएप्लिकेशन होने के लिए 18 मिनट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। सो मतलब पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है वो 18 मिनट्स में हो रहे, मतलब मिलियंस ऑफ बेस पेयर को ऐड करने के लिए या फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए उस डीएनए में 18 मिनट्स का वक्त रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली जो ई कोला होता है उसमें सेल डिवीजन होने के लिए टोटल मतलब 20 मिनट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। सो जो सेल साइकिल होती उसमें मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है ज़्यादातर वो रिएप्लिकेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो 80 मिनट्स लग रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएप्लिकेशन में ई कोला में। सो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या निकल के आता है कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड मतलब ऐड होते हैं। सो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो ये मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर डीएनए में एडिशन होता है जब वो रेप्लिकेशन होता है, तब पॉलीमराइजेशन होता है तब। याद रखना है एवरेज रेट विद द फास्ट स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड है, फास्ट स्पीड है एंड हाई। ओके, सो एक्यूरेसी भी
हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है इसको, या फिर ये होता है इफ़ एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन रिजल्ट इन म्यूटेशन, अगर इसमें थोड़ी भी कुछ भी मतलब गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाती, सो उस केस में म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन मतलब क्या कि जो जो बेस पेयर है उसमें कुछ मिस्टेक होना, उसमें सिंगल बेस पेयर चेंज होना, तो उसको आप म्यूटेशन कहते हैं। सो अगर पॉलीमराइजेशन के वक्त कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो ऑफकोर्सली क्या होने वाला है वहाँ पर, म्यूटेशन। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बेसिकली इतनी एनर्जी मतलब इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है, 2000 बेस पेयर फॉर्मेशन हो रहे पर सेकेंड, मतलब ये बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है सर्व एज ड्यूअल पर्पज, इसके दो काम होते हैं। सो बेसिकली जो नया न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे आके अटैच हो रहा है उसके दो फंक्शंस है, फर्स्ट तो एज अ सब्सट्रेट बोल के भी काम करता है, मतलब उसको डीएनए में एज अ न्यूक्लियोटाइड बोल के अटैच भी होना है, प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और बेसिकली इस ट्राइफॉस्फेट में अगर देखो तो 3 फॉस्फेट्स है यहाँ पे, इसमें सेकेंड टर्मिनल वाला जो फॉस्फेट होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो साइड में ट्राइफॉस्फेट में, इसमें हाई एनर्जी कंटेनिंग फॉस्फेट होता है, एज सेम केस इन एटीपी, एटीपी में जैसे प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे ये फॉस्फेट जब ऐड हो रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वो अटैच हो रहा है न्यूक्लियोटाइड में। सो ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पे ये हमने नया वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच किया ये वाला विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो एनर्जी भी न्यूक्लियोटाइड ही प्रोवाइड कर रहा है, प्लस एज अ सब्सट्रेट बोल के वर्क भी न्यूक्लियोटाइड ही कर रहा है यहाँ पे। सो दोनों भी फंक्शन ड्यूअल पर्पज यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है। एडिशनल टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सो मेनी एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड, डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी और एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होते हैं टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ रीएप्लीकेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सो इसमें ज़्यादातर एक्यूरेसी आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली इसको और ज़्यादा जो एंजाइम्स है रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज तो है ही बट और एंजाइम्स रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्टैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ ड्यू टू द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है, सो बेसिकली पॉसिबल नहीं कि एट अ टाइम सारा डीएनए के जो डबल स्टैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाए, एंटायर डीएनए के डबल स्टैंड सेपरेट हो जाए। सो क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस के लिए। सो जो भी रेप्लिकेशन ऑकर होता है विद इन अ स्मॉल ओपनिंग्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिफिनेट जगह पे एक स्मॉल ओपनिंग फॉर्मेशन होगी, मतलब जो डबल स्टैंड होगा वो सेपरेट होगा ओके डीएनए हेलिक्स में, दैट पोर्शन इज नोन एज और रेफर्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क मतलब यहाँ पे ब्रांच बोल सकते हो आप, तो रेप्लिकेशन ब्रांच और रेप्लिकेशन फॉर्क। बेसिकली यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था और इसमें यहाँ पे ब्रांच फॉर्मेशन हो चुकी है ओके। सो ये ओरिजिनल जो रेड कलर हमने शो किया है पैरेंट स्टैंड है टेम्पलेट डीएनए। सो विदाउट टेम्पलेट डीएनए डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर सकता, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने कहा एंजाइम ओके। सो बेसिकली ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड जो फॉर्मेशन है, डॉटर स्टैंड बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पे आ तक मैं 5' टू 3', 3' टू 5'। तो ये दोनों मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी है उसमें, और ये जो नए स्टैंड फॉर्मेशन हो रहे हैं वो हमने दिखाया। बेसिकली ये जो सेपरेशन होता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम की वजह से, दिस एंजाइम सेपरेट टू स्टैंड अनजिप करता है बेसिकली डबल स्टैंड को, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर रहा है वो। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। सो कहाँ से कहाँ पॉलीमराइजेशन करता है, कैटालाइज करता है 5' टू 3', मतलब 5' टू 3', यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं ओके, मतलब यहाँ पे रीएप्लीकेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो दिस क्रिएट एडिशन कॉम्प्लिकेशन इन रीएप्लीकेशन फॉर्क, इसकी वजह से एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि एक तरफ कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो एक कंटिन्यूअस सिंथेसिस वाला स्टैंड है 5' टू 3', और ये जो 5' 3' टू 5' वाला है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। सो ये हमें देखना है, ये दोनों भी न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है बट एक में कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, एक में डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है नया स्टैंड।
ये जो रेड कलर का है पैरेंट स्टैंड है, ओके, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है। हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, और बेसिकली यहाँ पे क्या आके अटैच हो रहा है, न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए। और ये न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एज अ मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एज अ सबस्ट्रेट बोल के भी काम कर रहे हैं, तो दोनों भी काम ड्यूअल पर्पज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो वन स्टैंड जो होता है, ओके, 3' एंड टू 5' एंड टेम्पलेट का, ओरिजिनल टेम्पलेट का, तो 3' एंड टू 5' एंड इसमें जो 3' एंड टू 5' एंड जो होता है इसमें, तो यहाँ पे रीएप्लीकेशन कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रीएप्लीकेशन होने वाला है, ओके। और अदर जो टेम्पलेट्स पोलैरिटी होती 5' एंड टू 3' एंड यहाँ पे डिसकंटिन्यूस जो सिंथेसिस होता है और रीएप्लीकेशन होता है डिसकंटिन्यूस होता है। तो बेसिकली होता है जो डिसकंटिन्यूस होता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस मतलब क्या, एक थोड़ी देर के लिए रेप्लिकेशन हुआ, फिर से ब्रेक, फिर से रेप्लिकेशन, फिर से ब्रेक। सो ये जो पूरा स्टैंड फॉर्मेशन होता है एक्चुअली ये ज्वाइन होता है बाय द डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम होता है जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज फ्रैगमेंट को ज्वाइन करते हैं, ओके। तो एंजाइम है बेसिकली डीएनए लाइगेज। सो हमने अभी तक 3 एंजाइम्स देखे, फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का काम करता है, पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है, सेकेंड हेलिकेज एंजाइम जो सेपरेट करने का काम करता है, अनजिप करने का काम करता है, और थर्ड नंबर डीएनए लाइगेज जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको ज्वाइन करने का काम करता है, उन फ्रैगमेंट्स को। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है खुद से कहीं पे भी रेएप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अल्सो रेएप्लीकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, और किसी भी प्लेस में डीएनए में रेएप्लीकेशन नहीं होता है। सो देयर इज डेफिनेट रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन होता है डीएनए में, जैसे कि ई कोलाई में एक पर्टिकुलर रीजन प्रेजेंट होता है ई कोलाई के डीएनए में, वेयर रेएप्लीकेशन ओरिजिनेट, सच अ रीजन नोन एज ओरिजिन ऑफ रेएप्लीकेशन, उसको ओरिजिन ऑफ रेएप्लीकेशन कहते हैं, ORI पॉइंट कह सकते हो आप, ओरिजिन ऑफ रेएप्लीकेशन याद रखना है हमने, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। सो बेसिकली ऐसा डेफिनेट रीजन जहाँ से रीएप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, रीएप्लीकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है, रैंडम प्लेस से स्टार्ट नहीं होता है, और डीएनए पॉलीमरेज रीएप्लीकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, एक डेफिनेट रीजन पे स्टार्ट हो रहा है उसको कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ रीएप्लीकेशन। सो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उसमें रेएप्लीकेशन ऑफ डीएनए स्पीस, हमें जो फॉरेन डीएनए होता है जो हमें इंसर्ट करना है, जैसे कि इंसुलिन का डीएनए हमें इंसर्ट करना है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो होस्ट है उस डीएनए का, मतलब हमारा जो फॉरेन डीएनए जो डीएनए पीस है उसका रेप्लीकेशन करे, उसके लिए हम वेक्टर लेते हैं प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड में एक्चुअल में ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन पॉइंट होता है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन की वजह से हम जो डीएनए पीस उसमें ऐड करने वाले उसका भी रेप्लीकेशन वहां पे हो जाता है। इन यूकैरियोट्स रीएप्लीकेशन टेक प्लेस इन एस फेस ऑफ सेल साइकिल। सो एस फेस होता है सिंथेसिस फेस, जिसमें यूकैरियोट्स में रीएप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है, ओके, मतलब डीएनए रेप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए कॉपीज फॉर्मेशन हो रही है, ओके, ड्यूरिंग द सेल साइकिल। रीएप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिविजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल में टोटल 24 आवर्स रिक्वायरमेंट होती है सेल डिविजन, पूरे सेल के जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 23 आवर्स में सिर्फ ये जो रीएप्लीकेशन होता है डीएनए का वो होता है, और 1 आवर फिर जो माइटोसिस प्रोसेस होगी उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। सो बेसिकली ये बहुत कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है एक दूसरे के साथ, किसी भी तरह का अगर फेल्योर होता है सेल डिविजन में और डीएनए रीएप्लीकेशन में, तो रिजल्ट होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम, हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम वहाँ पे फॉर्म हुए हैं पॉलीप्लॉइडी, जो क्रोमोजोमल एनोमैली है, मतलब एक तरह का फेल्यूअर है, ओके, रिलेटेड टू द सेल डिविजन। सो ये याद रखना है। अगर इस टॉपिक में के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन।